दूसरी एक उपासक के अंदर वृत्ति रहती है कि अगर मैं ये देख लूं, अगर मैं ये भोग लूं, तो बार बार जो मन कहता है एक बार उसको समझा देंगे ना कि देखो भोगा उसमें सुख नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखा है। ये होता है पक्का, ये मत समझो कि किसी एक की बात है, सबके अंदर ये मन की चालबाजी, जो तुम्हारे अंदर वही हमारे अंदर, तुम्हारे सबके अंदर। एक बार देख लेते हैं, हृदय में जलन होती है, पीड़ा होती, व्यथा होती। उपासक उसकी काट तो जानता है पर प्रयोग नहीं कर रहा, विषय आकर्षण के कारण काट जानता है। उपासक तभी बना है जो उसको पता है। अगर उपासक है तो सत्संग सुना ही होगा, शास्त्र स्वाध्याय किया होगा, तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग इसी के लिए तो ज्ञान मिलता है, इन्हीं से लड़ने के लिए। पर उस समय विषय प्रीता होने के कारण उनका प्रयोग करना भूल जाता है। अब जो ये बात आई है इस पर समझना होगा। पहली बात तो हमने पूरी आपको बता दी कि कहीं हमको लड़खड़ाना नहीं, निराश नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, चुप शांत, कहीं कोई इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। भागवत में लिखा हुआ, अगर मेरा भक्त है, अनन्य है, उसके हृदय में नाना प्रकार की विषय वासना है, तो मैं उसके हृदय में बैठकर उसको निर्विकार करता हूं। ध्रुवदास जी 42 लीला में कहते हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोय। यदि वो श्यामा श्याम का अनन्य है पर विषयी है तो करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रिय उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मकांडी को कर्म पर विश्वास है, जितेंद्रिय को अपनी जितेंद्रियता पर विश्वास है, और इसको प्यारी जू प्यारे जू का भरोसा है, लेकिन इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यद्यपि वो विषय, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस हो, ये कोई केवल ऐसे नहीं कि भाषण हो रहे हैं, मनमानी जो आया सो बोल दिया। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, और सबसे बड़ा शास्त्र ये है हमारी छाती जिसको हम जीते चले आ रहे हैं। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया कोई संयोग कुछ, तहां ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है, ये नहीं कि ये हमारे हृदय में आती, इनके हृदय में आती, इनके आपके हृदय में नहीं, ये चराचर जगत की बात कह रहा हूं। जो मन को पढ़ा जाता है ना, जैसे संत जन दूसरे की बात, एक मिनट, ये सिद्धि की बात नहीं होती, वो अपने मन को पढ़ते हैं और वही बात कहते तो वही सबके मन में लगा, हाँ अरे यार ये तो हमारे मन की बात बोल दिया, ऐसे ही चल रहा था। ऐसा वो नहीं है कि तुम्हारे मन की बात कह रहे, नहीं, उन्होंने अपने मन को पढ़ा है, अपने मन को देखा है। आप बहिर्मुख इसलिए समझ नहीं पा रहे, वो उसी को पढ़ते रहे, एक एक हरकत उसकी देखी है। तो जब वो बात कह रहे हो, जब आपको मन में वही चल रहा है, तो आपको लगता है ये तो हमारे मन की, आज जो सत्संग हुआ केवल मेरे लिए हुआ, ऐसा उनका मन, उन्होंने अपने मन को देखा है। तो ये मन ऐसी प्रेरणा करता है। जब हमारा मन किसी भी भोग के लिए ऐसी प्रेरणा करे कि यदि हमें ये भोग मिल जाता तो हम अनुभव कर लेते और मन शांत कर लेंगे। ऐसा होता ना कि बहुत दिन से यार लगा है मन में कि समोसा चटनी लाओ यार, एक बार खा के देखते हैं, ये चीज देख लेते, चलाओ टीवी, चलाओ मोबाइल में सर्च करो, ये छू लेते हैं, ये भोग लेते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है। अच्छे से देखना, हम गिरते कहां हैं, जहां हम मन को सपोर्ट करते हैं। मन हमें कैसे दस्तखत करने के लिए राजी करता है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है क्या होता है। सूंघने से, खाने से, देखने से, छूने से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांच भोगों को ही भोगने के लिए हमें विवश करता है, मन ऐसा प्रेरित करता है। ऐसा बोले अब शांत हो गया, भजन करते हैं, कई मिनट माला चलेगा, लेकिन अगला प्रोग्राम वो तय कर चुका है,
सामने आपके जहां पेश किया, कांप जाओगे आपकी, ये क्या हो रहा है, हमने तो सोचा था केवल एक बार देख लेंगे, अब क्या हो रहा है। वो ऐसे दलदल में फंसा देता है कि अगर हरि का आश्रय नहीं है तो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। न जातु कामः कामना मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये विषयों की लालसा भोग भोगने से कभी भी शांत नहीं होती। ब्रह्म ऋषि महापुरुष इनके अनुभव की बात है। न जातु कामः कामना मुपभोगेन शाम्यति, समझ लो मन को ठीक करने के लिए महापुरुषों के वचन ही शस्त्र हैं, वचन ही प्रमाण हैं। जब हमारा मन ये लालसा पैदा करता है तभी हम उसमें तदात्म हो जाते हैं, क्योंकि हम सुख के लोभी हैं, वो हमें सुख दिखाता है, बस ऐसे बस बस उसी समय विषयों की लालसा हमारे सामने प्रकट की गई, मन ने प्रस्तुत किया। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है, और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है, जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है। मन हमारी बुद्धि एक एक वृत्तियों पर अधिकार कर चुका है। अगर बुद्धि निश्चय करती कि गलत है, बिल्कुल नहीं सुनता, दस्तखत करवा ही लेता है, समझना। और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के कि वो कुछ निर्णय करता ही नहीं है। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि है क्या ये। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो एक सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। बस चूक यही हो रही, आज तक कभी उसने पढ़ा ही नहीं कि क्या पेश कर रहा है, बस दस्तखत कर दिया। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी जिसकी रानी और मंत्री भी उसके खिलाफ ही खड़े हुए हैं और उसको लग रहा है सब अनुकूल है, उस राजा की क्या दुर्दशा होगी। क्या है वो राजा, किस बात का राजा है, वही दशा इसकी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमल आनंद सुख राशि, वो जीवात्मा बुद्धि की प्रियता में मन की सलाह में फंसकर निकृष्ट भोगों में, कहां आनंद राशि, कहां चिदानंद घन स्वरूप और कहां मलिन प्राकृतिक भोग, हर में दस्तखत, सोच ही नहीं पा रहा है। ये लो मांस लो मदिरा लो व्यभिचार लो, ये सब में दस्तखत, यही दुर्दशा हो रही। बिना दस्तखत के तुम्हारे ये मन रूपी मंत्री और बुद्धि रूपी रानी कुछ नहीं कर सकती, ध्यान रखना। तुम्हारा सपोर्ट आवश्यक है उसको, और वो तुम्हें एक सेकंड के कम हिस्से में अपने में कर लेता है, क्योंकि आप इतने आसक्त हो चुके हैं बुद्धि में और मन में कि वो निर्णय मन और बुद्धि का न मानकर सीधा अपना मानते हैं। मुझे ये चाहिए, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा सीधे। अब आप इस रास्ते को नहीं जान रहे, फंस रहे प्रायः सब, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, इतना तो मुझे चाहिए ही। ये आज बहुत सोच समझ करके बातें दिमाग में बैठल ना, ये शास्त्री बातें कम, हृदय की बातें इसमें ज्यादा। हम इसलिए कह रहे हैं कि यही हम लड़खड़ा जाते हैं, यही हम फेल हो जाते हैं, और यही लगता है अब क्या है यार, किसी तरह जी लो बस। नहीं नहीं, संतों से शास्त्र इसलिए श्रवण किए जाते कि शास्त्र में जो लिखा है उसको तुम्हारे समझने की ज्यादा आंतरिक पहुंच नहीं है, संतों ने उसको जिया है और उस शब्द को उन्होंने स्वाद लिया है, फिर उसे जब बोलते हैं अपने अनुभव के साथ में एकदम दिमाग में आके बैठ जाता है।
एक बार भी जिस इस देश में उतर गया भोगने के लिए, सिर्फ एक मात्र हरि के चरणारविंद है कि वापस ला सकते, दूसरे के सामर्थ्य नहीं। ये ऐसा दलदल है कि वो धसता ही चला जाएगा, डूब जाएगा, नहीं निकल सकता और नहीं निकल पाए आज तक, पूरे अनादि जन्म व्यतीत हो गए। आज हरि कृपा से, गुरु कृपा से साधु संघ प्राप्त हुआ है, तो हमें ऐसे दलदल से निकाल कर ऐसे स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो आप सब ध्यान दीजिए, ये मन आपको कैसे फंसाता है, ये आपके सामने आपकी कमजोरी पा गया है। क्या जीव सुख समुद्र का अंश है, वो केवल सुख चाहता है, ये कमी पा चुका है कि इसको सुख चाहिए, और सलाह और दिशा दोनों गलत हो गई। सलाहकार मन प्रकृति से मिला हुआ है और दिशा विषय भोगों की तरफ चली गई। अब ये जिस विषय को कह देता है ये स्वीकार कर लेता है। अब इस बात को आपको काटना होगा, वो आपके सामने लालसा पेश करेगा सुख भोग की। अज्ञानी कभी इससे नहीं निकल सकता, ध्यान रखना, और भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता। बड़े बड़े भक्तों को देख लीजिए, भक्त राज श्री हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, भक्तराज गरुण जी जिन पर भगवान स्वयं आसन लगाते बैठते हैं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि। अब भक्त को कोई कहे कि ये तो अज्ञानी, भक्त परम ज्ञानी होता है, दोनों पक्षों का ज्ञान होता है, प्रेम का भी और आत्मस्वरूप के बोध का भी। ज्ञानी एक पक्ष केवल आत्मस्वरूप का बोध और मुक्त हो गया, और भक्त मुक्त होते हुए भी मुक्ति को ना स्वीकार करके आगे बढ़कर भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश पाता है। न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। ये बात बैठा ली भाई, ये जो मन आपको पेश कर रहा है कि ये क्रिया हो जाती, ये भोग मिल जाता तो मुझे शांति मिल जाती और फिर मैं आराम से बैठ के भजन करता, सावधान रहना, ये दुश्मन आपको प्रलोभन में फंसा कर ऐसे दलदल में ले जा रहा है जहां केवल हरि बचा सकते हैं, दूसरा नहीं। केवल हरि, दूसरा नहीं, विश्वास करना, दूसरा कोई नहीं बचा सकता इस दलदल से, क्योंकि आप बचना ही नहीं चाहेंगे। ये ऐसी मृत्यु है कि इसे आप हंसकर गले लगाएंगे, इसके लिए तड़पेंगे, ये ना भयावह नजर आएगी और न एक कटु नजर आएगी, पर ये जहर से भी ज्यादा कटु है और मृत्यु से भी ज्यादा भयावह है। ये भगवती माया का जो आकर्षण है, उस समय अगर कोई बचा सकता है तो केवल हरि, दूसरा नहीं। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में घी डालते जाओ तो अग्नि प्रज्वलित ही होगी, बुझेगी नहीं, ऐसे ही तुम्हारे सामने मन की जो जो भेजी हुई भोग लालसाएं हैं, अगर उनको तुम स्वीकृत करते गए तो तुम्हारी कामना तुम्हारा नाश कर देगी, तुम्हारा पतन कर देगी, दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। नचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्णम कर्तुम सक्यम कस्मात्। भोगों के भोगने से विषयाशक्ति, इंद्रियों की भोग चंचलता बढ़ती है, अतः कभी भी भोग भोगने से सुख और शांति नहीं प्राप्त हो सकती। ये वो महापुरुष जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले हैं, और ऐसा ही आप भी अनुभव करके देख चुके हैं, जो गृहस्थ में है या जो विरक्त है तो अभी विरक्त हुए हो 10-5 वर्ष से, अनादिकाल से भटक रहे हो तो विषयों में ही तो भटक रहे हो, केवल अभी ये लगता है आपको ये नया स्वप्न है तो लगता है कि हमारा जन्म पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हमने तो जीवन में कभी भोगा नहीं। अरे बहुत पुराने हो, पुराण पुरुष पुरुषोत्तम के अंश हो तो तुम भी पुराण सनातन हो। अब इस भोगाभ्यास की तरफ कदम यदि बढ़ाया तो जीवन संकट में फंस जाएगा। इसको रोकने से बात बनेगी, ना से बात बनेगी, हां से नहीं, इसमें हां नहीं।
ये इतना जिद्दी स्वभाव का मन है कि लाखों बार तुम ना करोगे तो उसके ऊपर भी हां कराने की कोशिश करेगा वो, ये हारने वाला नहीं। अगर आप ना ही करते रहे तो आपके अधीन होकर मंगल मूर्ति हरि का स्वरूप हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। पर इसके ना के बाद जो इसकी व्यथा पैदा होती है उसको सहना किसी महात्मा के बस की बात है, विषयी भोगी पुरुषों की नहीं। अगर उसे कोई, जब मन को ना कहा जाता है और फिर वो जो व्यथा पैदा करता है उस व्यथा को जो सह जाता है वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथिन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। आप अमृत पद के अधिकार के लिए ही निकले इसलिए सहना पड़ेगा, और वास्तविक सहना है ही नहीं, भ्रम है। अगर थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाए तो हंस कर निकल जाओगे, कोई जलन नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये केवल माना हुआ है। जो हम देख रहे हैं कि सामने वो सर्प है, वो है रस्सी, हम बड़े बड़े मंत्रवेत्ता बुला रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, उसे क्या होगा? वहां कोई फर्क पड़ने वाला है? कदम नहीं बढ़ रहा, डर रहे हैं, पर है क्या रस्सी? एक कब जब पता चला तब एकदम भय खत्म हो गया, कुछ नहीं, मेरा गोविंद ही सब रूपों में लीला कर रहा है। जहां यह असलियत पता चला तो कोई क्लेश नहीं, कोई हंसी आएगी, अपने ऊपर हंसी आई, का फंसा था। जैसे ठूंठ को भूत मानकर भयभीत हो रहे पर जब नजदीक गए तो हंसी आएगी, इसको भयभीत, ये तो लकड़ी का ठूंठ है इसको। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्णम करतुम सक्यम कस्मात्, कोई ऐसा नहीं कि भोग भोगते हुए अपनी इंद्रियों को मन को शांत कर सके। त्यागात शांति, और हमारा मन हमको क्या सलाह देता है? भोगा शांति, भोग लो तो शांत हो जाओगे, अब थोड़ी देर के बाद फिर चैन से भजन, मूर्खता नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, पर ये जो मन व्यथा पैदा करता है ध्यान रखना, सह वही सकता है जिसका नाम चल रहा होगा राधा राधा राधा। हम कई बार उपासक जो नजदीक होते हैं किसी भी, अचानक पूछते हैं कहां हो, बोलो बोलो कहां हो जी, कहां हो, क्या चल रहा है, मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, वाणी जी चल जी, नहीं तो क्या चल, क्या रहा है, कहां हो, अब चलने लगा ऐसे, अब चल, हर समय ऐसे ही आपको टोकना है, देखना है। जिस समय आप नाम से रहित होंगे उस समय दी हुई मन की व्यथा को तुम नहीं सह सकते, और नाम चल रहा है तो बीच में आ गया उस व्यथा और आपके बीच में नाम चल रहा है पूरा, जैसे बुलेट प्रूफ नहीं होता, गोली मारी तो छाती में लगती नजर आई पर वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, वो जैकेट पहने बुलेट प्रूफ, ये बुलेट प्रूफ है। कोई भी विषय आक्रमण जब नाम चल रहा है तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा, देख लेना आप उसी समय हार रहे होंगे जिस समय नाम नहीं होगा, पकड़ लेना। अगर राधा 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 सब ठीक हो, विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा तुम अस्वीकार करो, क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी, तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कस्मात, किसको हुई है आज तक? यतो भोगाभ्यास मन विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम, जो भोग भोगने में सुख के अनुभव के भ्रम में फंस गया उसकी इंद्रियां उसे कला कौशल पूर्वक भोग में और फंसाती है, ऐसे ऐसे करो ऐसे करो, उसको उसको ऐसा वैसा नष्ट कर देती है, माला लिए बैठा है और सोच कितना गंदा, ध्यान में बैठा है चल कहां रहा है, पूजा कर रहा है कर क्या रहा है, अंदर से क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भोगाभ्यास इंद्रियां बलवान होकर के अपने अधीन कर लिए उसको, यद्यपि मृषा बात झूठी है कैसे अधीन हो सकता है, पर छूटत कठिनाई, बहुत विवेक की आवश्यकता है।
अब और सुख प्राप्ति की इच्छा बढ़ती चली जा रही, तो व्यभिचार शुरू हो गया, पापाचार शुरू हो गया, भूल गया मर्यादा, पशुता आ गई, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, और सोच रहा था कि शांति मिल जाएगी ऐसा करने, और ऐसा शांत फिर हो जाता है कि उसे एक ही बात समझ में आती है कि अब शरीर ही छोड़ दें तो अच्छा है। ऐसी स्थिति आ जाती है, घृणा हो जाती है उसको अपने जीवन से, जीना उसके लिए नरक लगने लगता है कि ऐसा जीवन, क्या जीवन। पर अब विवेक काम नहीं करता क्योंकि इंद्रियों ने अधीन कर लिया है। बिखर पर्यो मन समटत नाही, इंद्र ने लीनो जीत, इंद्रियों ने जीत लिया। तस्माद अनुपाय सुखस्य भोगाभ्यास, बस वो इसी सुख का चिंतन करता रहता है, भोगाभ्यास, कैसे पूरा जीवन इसी में, भोग सामग्री एकत्रित करना उसको भोगना, अधिक से अधिक भोग सामग्री एकत्रित करना उसको भोगना, बस इतना ही जीवन। देख लो जो सत्संग विहीन है भगवत विमुख, देख लो इतना ही जीवन है। भोगाभ्यास, भोग सामग्री संग्रह, बस उसको भोगना, यही जीवन। ये तो पशु भी कर रहे हैं, खान पान निद्रा भय हार मैथुन। बोले जो, बहुत ध्यान से सुना, अभी शांत बैठा था और मन ने भोग लालसा उसके सामने रखी, वो तदात्म हो गया और भोग करके अब सुख शांति प्राप्त करने की इच्छा में सम्मिलित हो गया। बोले उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई, सा खल वयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेषण दष्टो या सुखार्थी विषयानन वासी तो महति दुख पंके निमग्न इति। बिच्छू के डंक के जहर से बचने के लिए उसने अपने हाथ को सुरक्षित समझा सांप के बिल में डालना। अब उसकी क्या दुर्दशा होगी, भाव इसका, थोड़ी सी जलन दे रहा था जब हम कह रहे थे ना, हम उस बिच्छू के डंक जैसी बात को नहीं सह पाए, और जब विषय भोगा तो कैसा, जैसे सांप के बिल में उसके मुंह में हाथ लगा देना। अब वो जो सांप काटा, अब बहुत बहुत 45 मिनट जियोगे, अगर इंजेक्शन सही नहीं मिला मरी जाओगे, क्योंकि वो कोबरा का जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, और ये एक कोबरा ले हमारे अनंत कोबरा डसते रहते दुर्वासना के। समझिए, पहले शांत था, भोग लालसा प्रकट हुई, जलन हुई, जब आपने उसे ना कहा तो वो जलन जो हुई अगर उसको नहीं सह पाए और भोगाभ्यास में उतर गए, तो ऐसा समझ लो कि बिच्छू के डंक के भय से बचने के लिए सांप के बिल में हाथ डाल दिया। शास्त्र कहे साखलवयम वृश्चिक विष भीत इवासी विशेषण दष्टो या सुखार्थी विषयाननुवासी तो महत दुख पंके निमग्न। अब वो महादुख में फंस गया, इसलिए मन के द्वारा जो दी हुई भोग लालसा है, आपके बिना ये कुछ कर नहीं सकता। आपको दस्तखत नहीं करना है, बस इतनी बात है। दस्तखत का तात्पर्य स्वीकृति, हाँ ठीक है, बस इतना कहने की देर है। आगे तुम रो चिल्लाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा मन, पर पहले वहां करवाएगा। इसकी चाल है, बिना तुम्हारी हां के कुछ नहीं कर सकता है। ये बात समझ लो, सब यही सैकड़ों बार प्रश्न होते हैं, वो हमारे अंदर ऐसा, वो ये काम, वो ये बात तुमसे सुधरेगी, किसी के आशीर्वाद से नहीं सुधरेगी, ये भी ध्यान रख लो। ये भी अनुभव की बात कहते हैं, कहीं भाग के किसी के भी पास चले जाओ, किसी का ऐसा नहीं होगा कि हाथ रख दे तुम निष्काम हो गए। वो तुम्हारी स्वीकृति है, वो सत्संग के द्वारा स्वीकृति। आप बदलिए, आप नहीं बदलेंगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपका हृदय निष्काम कर सके, ध्यान रखना, वो आपकी स्वीकृति होगी। हां, संत महात्माओं के वचनों के बल पर हम ये स्वीकृति बदलते, जैसे आप सुन रहे हैं। अब इसका आप अभ्यास कीजिए, पर अंतर्मुख साधक इस बात को समझ पाएगा कि मन ने कब भोग लालसा पैदा कर दी, आपने कब उसकी स्वीकृति कर ली, ये दोनों बातें। वो इतना चतुर है मन कि आपको एक सेकंड के कम हिस्से में स्वीकृति लेके क्रिया में उतार देगा। क्रिया का मतलब बाहरी ही नहीं,
अंदर पूरा मनोराज्य शुरू कर देगा और आप फंसे हुए उसी में डोलते रहेंगे। चतुर उपासक हो, चतुर कौन? रामे भजे थे चतुर नर, राधा 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 राधा, क्योंकि जब आप मनोराज्य में विचरण करने लगेंगे तो नाम छूट जाएगा। नाम छूटा मतलब हानि हो गई, पकड़ो तुरंत पकड़ो। यही हमारा साथी, यही हमारा मित्र, यही हमारा बल है नाम, जो हमें इस मन की दुर्वासना द्वारा घसीटने पर भी नहीं घसीट पाएगा। श्री हरिवंश नाम बल रहो अपने, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा कोई साथी नहीं। आप हमारे पास 24 घंटे रहिए, स्वीकृति न कीजिए तो कुछ नहीं है, स्वीकृति कर लीजिए तो हजारों कोस दूर ये शब्द सुनकर आपको हर समय से गोद में रखेगा। ये गुरु वचन ही सदगुरु हैं, उनको आप देखिए तो आपके पास रहेंगे। ये ऐसा दुख में दलदल में भी फंस जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि देखो सुनकर आपको पहाड़ जैसी बात लगेगी, कैसे निकल पाऊंगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और ये बोल कौन रहा है, ये भी तो देख, तू नहीं बोल रहा, बोल वही रहा है जो तुझे फंसाया और तू स्वीकृति कर रहा कि मैं बोल रहा हूं। भोग उसने भोगा, स्वीकृति तूने की, दुर्गति तेरी होगी, समझ पहले। ये ऐसा जाल है, इसे बिना सत्संग के आप समझ नहीं सकते। साफ का साफ धरा धरा, भगवान कह रहे मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, तू मेरा अंश, ममई अंश हो, तू मेरा है और ये प्रकृति का अंश प्रकृति में जा रहा है, तू समझ। तो तेरे ही दस्तखत से, तेरी ही स्वीकृति से तेरी दुर्गति हो रही, स्वीकृति बदल। अब अगर हम मुझसे ऐसी कोई चूक हो गई है तो हमें चिंता नहीं करनी, अब लो निशानी अब ना। अगर ऐसी चूक हो जाए कभी, असावधानी हो सकती, तो हमें निराश नहीं होना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए, ये आप बैठा लीजिए, बैठा लीजिए, नहीं तो ये आपको परमार्थ से अलग कर देगी। चाहे आप 20 वर्ष चले, बहुत बड़ा युद्ध है वो, डट के खाना पानी बांध के युद्ध में आया है। ऐसा वो योद्धा नहीं है कि पानी पीने के लिए छोड़ के चला जाएगा। जब तक वो तुम्हें परास्त नहीं कर देगा तब तक वो हटने वाला वीर नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और आप महावीर हैं क्योंकि हरि की शरण में हैं। अगर आप नाम नहीं छोड़ेंगे, देखो दो ही बातें कही गई, साधन को हरि भजन एक कह सत्संग सहाय, दो बात पकड़ लो। सत्संग मिल गया मतलब परम पद में आरूढ़ होने की पूरी सामग्री मिल गई। अब आपको नाम नहीं छोड़ना है, जहां नाम छोड़े तो आप समझ लो हानि हरिवंश के नाम अंतर। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई जवत सुमिरन भजन, अगर नाम चल रहा है और ये जाल बुनकर फंसा भी लिया है तो कुछ भी हमारे संस्कारों को नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्यान रखना, नया संस्कार ये पैदा नहीं कर पाएगा, हमारे अंदर निराशा पैदा नहीं कर पाएगा, ये भोगाभ्यास दृढ़ नहीं कर पाएगा, ये हार जाएगा। नाम हर समय हमारे हृदय में चलता रहे, ये बात पकड़ लीजिए। आज के सत्संग का सार, हम प्रभु की शरण में हैं, भले हमारे द्वारा कुछ भी कैसे भी जिसको हम नहीं संभाल पा रहे, फिर भी हमें निराश नहीं होना, हमें अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना ही है। और हमारा विवेक साथ दे तो हमें मन और इंद्रियों के भोगाकर्षण में दस्तखत नहीं करने, स्वीकृति नहीं करनी। हमारा मन हमको जब जलाएगा तो हमें उसे सहना होगा, हमें उसको शांत करने के लिए कोई विषय सेवन, विषय क्रिया, विषय संग नहीं करना है। बस आप निहाल हो जाओगे। ये तीन बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ, हर समय नाम चलाते रहो। अगर ये विवेक धारण करोगे, नाम चलाते रहे, तो आप इसी जन्म में देख लेंगे कि आप दूसरों को तारने वाले बन गए। सतरति सतरति सा लोकां तारयति, यल्लब्ध्वा अपमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, जिसको प्राप्त होकर के सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, वो प्रभु के चरणारविंद का अनुराग है, वो नाम से प्राप्त होता है। नाम तुम्हारी रक्षा करेगा, नाम तुम्हें दुलार करेगा, नाम तुम्हें पुष्ट करेगा, और नाम ही तुम्हें नामी से मिला देगा। या यूं कह लीजिए कि नाम ही नामी को आकर्षित करके तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर देगा। शेष चर्चा की, राधा वल्लभ लाल की।